नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सुबह सुबह का टाइम है और देखिए कितना अच्छा बढ़िया मौसम हो रहा है। और देखिए चिड़िया कैसे बैठी हुई है, और अभी बहुत सारी चिड़ियाँ यहाँ बहुत अच्छी आवाज़ निकाल रही थी, तभी मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो दो चीज़ों पर है, तो इसलिए आप वीडियो पूरा देखिए। एक तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरा जो मैंने कटिंग से चंपा का जो प्लांट तैयार करा था वो कहाँ चला गया, और दूसरा ये कि विनका जो होती है हाइब्रिड विनका, उसकी केयर हम कैसे करें। ये बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे इसके बारे में, तो मेरे भी बहुत सारे विनका के जो प्लांट हैं पहले ख़राब हुए हैं, और मैंने इनसे कुछ सीखा है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज। तो बहुत ही अच्छा पौधा है ये, और बहुत सुंदर फूल आते हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं ये हाइब्रिड विनका। लेकिन इनकी केयर करना बस थोड़ी सी कुछ बातें हैं, उनको अगर हम समझ जाएं तो ये बहुत अच्छे से चलते रहते हैं और हमेशा हमारे जो गार्डन है उसको फूलों से भरे रखते हैं। ये ऐसा पौधा है कि हमेशा फूल देता है। तो सिंपल वाला जो सदाबहार है वो तो आसानी से चलता रहता है, लेकिन ये हाइब्रिड जो विनका होते हैं ये थोड़ा मुश्किल से सर्वाइव कर पाते हैं। तो अब के मेरे बहुत अच्छे से ये सारे चल रहे हैं, और मैं बीच बीच में इनको नीचे भी रख देती हूँ क्योंकि धूप की कमी के कारण। तो सबसे मेन तो इसको धूप सबसे ज़्यादा चाहिए, खूब धूप चाहिए इसको, मतलब 6-7 घंटे की धूप इसको ज़रूर ही चाहिए। तो मेरी बालकनी में भी इतनी धूप नहीं आती है, तो मैं इसको नीचे रख देती हूँ। कभी कभी आपको दिखता होगा यहाँ पे नहीं रहता है ये, ताकि इसको धूप मिल जाए अच्छे से, और फिर मैं उठा के ले आती हूँ इसी वजह से, ताकि अच्छे से चले। तो एक तो आप इसको धूप अच्छी जहाँ पर आती हो वहाँ पर रखें, और दूसरा जो इसका मेन कारण है वो है पानी ज़्यादा देना। आप बिल्कुल भी इसको पानी ज़्यादा ना दें, पानी ज़्यादा देने से इसकी जड़ें गल जाती हैं और अचानक से ये पौधा पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। तो दो चीज़ों का अगर आप ध्यान रख लेंगे तो आपके ये जो हाइब्रिड विनका हैं ये हमेशा बहुत अच्छे से चलेंगे, खूब अच्छे इन पर फूल आएंगे, और ज़्यादा इनमें कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। आप महीने में एक बार जो भी आप सारे प्लांट्स में देते हैं उस हिसाब से आप दे दें, और ये बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। तो दो चीज़ों का ध्यान रखें, एक तो पानी ज़्यादा ना दें, और एक जहाँ पर धूप ज़्यादा से ज़्यादा आती हो वहाँ इस पौधे को रखें, तो आप देखेंगे कि ये खूब अच्छे से चलेंगे। तो पहले जो मेरे पौधे जितने भी ख़राब हुए हैं वो इसी वजह से हुए हैं कि जैसे नॉर्मल मैं सबको पानी देती हूँ ऐसे ही मैं उनको पानी देती थी। इस बार मैंने पानी इनको बहुत ही कम दिया है, पानी की इनको बहुत कम ज़रूरत होती है। पानी जैसे ही हम नॉर्मल देंगे एकदम से ही ये पता नहीं नीचे से जो इनकी स्टेम है वो सूखनी स्टार्ट हो जाती है और पौधा पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। तो देख सकते हैं आप कितने कितने 3-3, 4-4 फूल एक साथ आते हैं और कई कई दिनों तक लगे रहते हैं, ये फूल बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप इन तीन दो चीज़ों का ध्यान रखें तो बहुत ही अच्छे से आपके सदाबहार जो भी आपने लगाए हैं जितने भी कलर्स के सब अच्छे से चलेंगे। तो इस सफ़ेद वाले पर बीज भी आ रहे थे, तो मैंने अब के अपने ही पौधे से बीज तोड़कर बीज बोने का भी ट्राई किया। तो देख सकते हैं आप, मैंने इस गमले में वो बीज डाले थे सदाबहार के जो हाइब्रिड विनका ये सफ़ेद वाला है, और देखिए कितने सारे छोटे छोटे कितने सारे प्लांट्स तैयार हो गए हैं। अब मैं सोच रही हूँ इनको मैं कहाँ लगाऊंगी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि बहुत सारे प्लांट्स बना लेती हूँ कटिंग से बीज से, और फिर मेरी बालकनी में इतनी जगह भी नहीं होती तो मैं इनको ख़राब भी नहीं जाने देती, तो मैं इनको नीचे लगा देती हूँ सोसाइटी में जहाँ भी मुझे जगह दिखती है, मुझे पौधे लगाना अच्छा लगता है। तो इस तरह बीज से भी आप बहुत सारे बना सकते हैं। तो देखिए ये मेरा चंपा का प्लांट आप सभी ने देखा है, कटिंग से मैंने बनाया था, कई बार मैंने आपको दिखाया है। तो ये चंपा हाइब्रिड चंपा नहीं है, ये वो वाला चंपा है जो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है और जिस पर वाइट कलर के सुंदर से फूल आते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा जगह भी चाहिए, और ये जब ही अच्छे से चल पाएगा। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, अब मैंने इसको बना तो लिया है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको ऐसी जगह पर लगाऊँ जहाँ पर ये बहुत अच्छे से बड़ा हो, बहुत अच्छे से चले। तो मैं इसे नीचे सोसाइटी में जहाँ भी मुझे जगह दिखेगी वहाँ मैं इसे लगा दूँगी, और फिर मैं इसके आते जाते इसकी केयर भी करती रहूँगी, पानी देना और सब कुछ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पौधा बड़ा होता है, जो बड़े पौधे होते हैं उनको जिस हिसाब से उनको ज़मीन चाहिए वो मिल जाती है, और बड़े होते हैं उन पर फूल आते हैं, फल आते हैं। तो आप भी ऐसा ही करें, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बालकनी में या फिर गमले में कोई पौधा आपका नहीं चल रहा है, इसको बड़ी जगह चाहिए, तो आप अपने आसपास कहीं भी जगह देखकर उसको ऐसे लगा दें, और जिससे वो बहुत अच्छे से चलेगा भी और आपको देखकर भी अच्छा लगेगा कि आपका पौधा बड़ा हो रहा है। तो मैं इसको नीचे लगाऊंगी आज, और ताकि अच्छे से बड़ा हो,
और अपना आपको एक केले का भी पौधा दिखाऊंगी जो मैंने गमले में ही लगाया हुआ था पहले, और जब वो बहुत बड़ा हो गया तो मैंने उसको भी नीचे लगा दिया। और मैं उसकी जाते आते उसको भी उसकी केयर भी करती रहती हूँ, पानी देना और ये सब कुछ। तो आप मेरे केले के पौधे को भी ज़रूर देखिए। तो चलिए इसको लगा देते हैं नीचे। देखिए नीचे मैंने इसको लगा दिया है, देखिए कितने अच्छे से, कितना खुश है आज, इसको बढ़िया से जगह मिल गई है और अब ये खूब अच्छे से बड़ा होगा। और इसको पानी भी दे देती हूँ मैं। तो ऐसे ही आप भी जहाँ भी आपको जगह मिले लगाएं पौधे, खूब सारे कटिंग से बीज से पौधे बनाएं और खूब सारे इधर उधर लगाएं। पौधे लगाना तो अच्छा लगता है, जिनको पौधों का शौक है वो तो कहीं भी क्यों ना लगाएं, वहीं पे लगाना अच्छा लगता है, अपने घर में हो या बाहर। तो ये पौधा जैसे जैसे बड़ा होगा मुझे बहुत खुशी होगी। तो देखिए मैं आपको अपना केले का पौधा भी दिखाती हूँ। तो देखिए ये है मेरा केले का पौधा जो छोटा सा ही था और बहुत बड़ा हो गया मेरे बालकनी में ही, लेकिन जब बहुत बड़ा हो गया था तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया और अब ये बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। जैसे ही मैंने इसको ज़मीन में लगाया है इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है, और देखिए इसके पत्ते भी कितने नए नए बड़े बड़े निकल रहे हैं। तो इसको बढ़ते हुए देख बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही मैं करती हूँ। तो आज का अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आप देख पाएँ। थैंक यू वेरी मच।